नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत है ई अकेडमी 123 पर। आज अपन बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, अर्थात जैसा कि आपके सामने सर्किट दिया गया है तो ये प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन से है, तो इसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करेंगे कि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उनके अंदर क्या क्या और अपडेशन हो सकता है और इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व किया जा सकता है और इनमें से ऐसे कौन सी ट्रिक हमको फॉलो करनी है जिससे हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत अच्छे से। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के भी है मेरे पास, तो वो सारे ही इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अंत में अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जस्ट, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि मैं अन अकेडमी पर भी IAS के लिए प्रिपरेशन करवाता हूं। वहां पर भी मेरे वीडियोस ज्योग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड और हिस्ट्री से रिलेटेड या सीसेट से रिलेटेड आपको सारा कुछ वहां पर मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहां जाकर भी इस प्रोफाइल लिंक पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। तो ये कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, चलते हैं अब नेक्स्ट पर। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सा ये क्या है, सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का है, वैसे तो आप कर ही सकते हो उसको, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या है, ये सीरीज में है तीनों और ये इसके साथ क्या है पैरेलल में है, वैसे तो हो ही सकता है लेकिन हम इसको ट्रिक्स कैसे करें। और भी अगर नेक्स्ट शिफ्ट में आएगा तो कैसे आएगा, तो ये या तो ये वैल्यू चेंज होगी एक बात, और इनके साथ कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। किसका कॉम्बिनेशन आ सकता है, कैपेसिटर का। यहाँ पर वो कैपेसिटर लगा दे, हो सकता है कि यहाँ पर वो इंडक्टर लगा दे या कुछ और भी इनके अंदर चेंजेस कर दे। तो ये चेंजेस हमें कैसे पकड़ना है, तो सारी चीज़ हमें अल्टीमेटली फोकस कहाँ पर होना, अप्रोच पर फोकस होना कि हमारी अप्रोच कैसी हो। तो अप्रोच पर अगर बात की जाए सबसे पहले, तो हमारी अप्रोच क्या होगी वो अपन सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमेशा सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व अगर करना तो आप हमेशा नोडल एनालिसिस यूज़ किया कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके अगर सिंपल से करोगे तो जहाँ चार वेरिएबल बन रहे हैं यानी चार अननोन बन रहे हैं या तीन अननोन बन रहे हैं वहाँ से एक एक कम हो जाएगा, इसको दो अननोन में ही काम हो जाएगा। और अगर नॉर्मल मेथड से चार बन रहे तो इसमें तीन से ही काम हो जाएगा, और अगर दो बन रहे तो इसमें एक मेथड से काम हो जाएगा। और इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि आपको नोडल एनालिसिस कैसे करना है, तो वो तो ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर सॉल्व किया जाए तो अगर ये अगर क्वेश्चन आया तो चेंजेस होगा तो इनमें से हल्का फुल्का होगा कि सीरीज़ के साथ या पैरेलल के साथ इंडक्टर या कैपेसिटर ऐड हो सकता है, तो ये आपको जस्ट ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं इसको जोड़ते हैं कि आखिर इसके अंदर कौन सा साइंस यूज़ हुआ है। इसके अंदर बहुत ही आसानी चीज़, ये कितना है 30, ये कितना है 15 है, ये 15 है तो ये 45, तो एक हो गया आपके कप 45 तो होगा ही होगा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है अल्टीमेटली, इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो 50 ये कितना हो जाता है 25 + 5 30 + 20 45 आपके पास हो जाता है 50 25 + 25 50। अब 50 के साथ 10 क्या है पैरेलल में है, तो अगर आप इसको फाइंड आउट करोगे तो और सॉल्व करोगे तो ये कितना आता है 25/3। सिंपल सा लॉजिक ये ही आता है, और अल्टीमेटली इसको सॉल्व करोगे तो ये 160/ आपके पास आंसर आ जाता है इसका, 160/ आ रहा है जनरली 3। ये आपके पास क्या आ गया, ये आर इक्विवेलेंट आ गया, दैट्स इट। यही आपको निकालना था, आर इक्विवेलेंट आ गया तो जाहिर सी बात है कि अब क्या निकल ही जाएगा। तो अब अगर आपके पास आर इक्विवेलेंट कितना आया है, आर इक्विवेलेंट जस्ट अपन ने निकाला है 160/3। अब आई पूछा है इसने, आई अगर निकालना है आपको तो आप जस्ट क्या करेंगे, 15 वोल्ट की क्या है बैटरी है आपके पास बस, और 160/3 क्या है, ये आपका आर इक्विवेलेंट है, दैट्स इट। यहीं से आंसर आ गया आपका, आपका आंसर आ जाएगा जो आई आएगा वो कितना आ जाएगा, जस्ट इसको सॉल्व करोगे तो ये 45 हो जाएगा वो ऊपर जाके, यानी 45/160। और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे आप तो अल्टीमेटली आपको पास जो मिलेगा वो वैल्यू मिलेगी आपको, क्या कितनी मिलेगी 9/32। सॉल्व करके देख लेना, सिंपल सा ये लॉजिक है, और ये थर्ड ऑप्शन जा रहा है, इसका आंसर जा रहा है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर व्हीटस्टोन ब्रिज भी आ सकता है इसका, तो वहाँ पर इसको चेक करना है कि इस रेजिस्टेंस में तो करंट जाएगी ही नहीं, इसमें चली जाएगी, क्योंकि ऐसे ही सर्किट आएंगे जहाँ पर व्हीटस्टोन बन रहा है, सबसे पहले वो चेक करना है और नोडल एनालिसिस यूज़ करना है, उसके माध्यम से आप बहुत कुछ आसानी से निकाल सकते हो। और इसी के साथ कैपेसिटर और इंडक्टर का मींस कॉम्बिनेशन लेकर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे। अब दोस्तों मैं आ चुका हूँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये कहा गया कि दो परपेंडिकुलर इनफाइनाइट वायर्स है, यहाँ पे इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट वायर्स दिए गए हैं, और यहाँ पर मुझे पोजीशन दी गई है और पॉइंट पी की, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा,
वो मुझे फाइंड करना है अल्टीमेटली। तो वो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है B1 अगर मैं कहता हूँ तो ये क्या होता है, म्यू नॉट सिंपल आई अपन क्या हो जाएगा 2 पाई एक्स। एक्स क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, सभी को पता है, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक्स डिस्टेंस होता है। सिमिलरली बस यही याद, अगर एक इन्फाइनेट वायर है तो आपको ये याद रखना है जस्ट X1। अब यहाँ पर B1 इक्वल टू इतना आया और B2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अगेन आई, क्योंकि ये भी इन्फाइनेट वायर है, और अपन 2 पाई अपन X और यहाँ Y हो गया। अब अगर मुझे B इक्विलेंट निकल, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, कैसे नेचर है, अगर यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल अगर यूज़ करेंगे आप तो ये क्या जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो इसका पॉइंटिंग कैसा होगा, पॉइंटिंग इसका अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पर ये जा रहा है इसका पॉइंटिंग कैसा होगा, आउटवर्ड, यानी कहने का अर्थ है कि एक अंदर की तरफ होगा और एक आउटवर्ड की तरफ होगा, यानी दोनों का नेचर कैसा होगा, विपरीत होगा, तो ये माइनस के नेचर में आ जाएगी, यानी B1 माइनस B2 जो इक्विलेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा इस बिंदु पर वो क्या होगा, आपकी B1 माइनस B2 होगा, और B1 का मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और दूसरा अगर डिस्टेंस यानी इन्फाइनेट वायर से इसकी डिस्टेंस कितनी वाई है, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई। अब इस केस में ध्यान देने वाली बात है कि DD है, अर्थात एक्स इक्वल टू वाई है, बस यही तो ध्यान रखना था आपको, एक्स इक्वल टू वाई दिया गया है, तो यहाँ पर जब माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बी इक्विलेंट कितना हो जाएगा, B1 माइनस B2, और ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन कितना 2 पाई डी माइनस 2 पाई, सॉरी ये आपका म्यू नॉट आई अपन 2 पाई डी, तो ये से ये कट गया, तो यानी शून्य बचा, शून्य कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जा रहा। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस करने आपको, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं करना। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।